दोस्तों, क्या आपको भी बार बार चोट चपेट लगती रहती है या बहुत अधिक बीमार रहते हैं? टेस्ट कराते हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर में कुछ हो रहा है, आपके पैरों में कुछ हो रहा है, आपके पेट में कुछ हो रहा है, या बार बार आप किचन में काम करते समय आपको कट लग जाता है जिसमें से खून निकलने लगता है, या किसी भी काम को करने के लिए जाते कन्फ्यूजन बना रहता है, पैरों की नसें ऐसा लगता है कोई आपका पकड़ के ईंठे दे रहा है, किसी चीज को समझने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन समझने के बावजूद, सब कुछ आने के बावजूद भी एग्जाम लिखते समय आप भूल जाते हैं। माता पिता के साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, विशेष रूप से माता पिता के अपने पुत्र संतान के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है। चोट चपेट बहुत ज्यादा लग रही है, ऑपरेशन बार बार किसी ना किसी चीज को लेकर आपके शरीर पर कट लग जाते हैं, ऑपरेशन या फिर आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये किस ग्रह की वजह से हो रहे हैं और आप क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका ये ग्रह शांत हो जाए और जीवन में ये जो सारी समस्याएं हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ाई को लेकर परेशान है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ा लिखा याद नहीं हो रहा, बार बार आपको पेट की दर्द की शिकायत हो रही है, बार बार आपको माइग्रेन हो रहा है लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपको बार बार कन्फ्यूजन बना रहता है, आपको डर सताता रहता है कि कुछ हो ना जाए, आपको अपने शरीर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जो मैंने सिम्टम बताया वो हो सकता है आपके परिवार में किसी न किसी एक सदस्य को हो, या आपके आस पड़ोस में आप ऐसा महसूस करते हो। आपको जब लगता है कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है तो हो सकता है इसने किसी ने इसके ऊपर कुछ किया कराया हो सकता है किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। ये सारी स्थितियां जो पैदा करता वो है केतु, क्योंकि राहु केतु सम सप्तक चलते हैं। जहां राहु होता है उसके जस्ट सामने वाले अपोजिट भाग में, यानी कि सप्तम भाव में केतु होता है। राहु इस तरह से चलता है तो केतु ऐसे, यानी कि आपके पूरे 12 के 12 ग्रहों को राहु केतु दृष्टि संबंध बना के रखते हैं। इसीलिए हम कुंडली में जब भी फलादेश करते हैं राहु केतु की स्थिति को पहले देखते हैं। ये राहु केतु अगर आपके लग्न पर हो जाए तो आपको हर वक्त डर बना रहता है, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे साथ कुछ ना हो जाए, चाहे उसका नक्षत्र में ही आप क्यों ना पैदा हो गए हो। बार बार आपको चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट होते हैं, या आपके बार बार ऑपरेशन जैसी नौबत बनने लगती है अगर लग्न पर केतु बैठा है, या लग्न से पर केतु का नक्षत्र है, या लग्न को केतु देख रहा है, या आपका अष्टम में केतु इस तरह से बैठा हुआ है, तब भी ये स्थिति बनती है। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये पंचम में बैठा केतु करता है। पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा है आपने, मम्मी पापा के सामने बहुत अच्छे से बता दिया, आपने टेस्ट में बहुत अच्छा किया, लेकिन एग्जाम में लिखते समय आप फेल हो गए, आप लिख ही नहीं पाए, आप अचानक से भूल गए, ब्लैंक हो गए, डर सताता रहता है, कोई आपके पीछे आ रहा है, कोई आपको पकड़ने वाला है, अपने आप से आप कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं, ये कराता है केतु। जब भी कुंडली में ये केतु आपका खराब हो, यानी कि नीच का हो जाए, या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति तो सदैव जीवन में ऑपरेशन, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, बार बार उनके शरीर पर किसी न किसी तरह से कट और घाव लगते रहते हैं। अगर ये केतु शुक्र के साथ में हो जाए तो बार बार आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले से आपको प्यार हुआ जा रहा है, ये सिर्फ एक तरफा प्यार होता है, वो आपका प्यार नहीं है, एक तरफा प्यार, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को आप चाहते हो और सामने वाला आपको नहीं चाहता है, ये आप ही की तरफ से होता है, एक्चुअली में तो ये होता नहीं है, हेलोजन जिसको बोलते हैं, कल्पनाएं आपको कल्पनाशील बना देता है। देखा जाए तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, ये गुरु के समान फल देता है, ये आपको आध्यात्मिक बनाता है, ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपको ये ब्रह्मांड से जोड़ता है, शक्तियों से जोड़ता है। अगर आपने अपने केतु को पहचान लिया और आप स्पिरिचुअल हो गए, यानी कि आप मंत्रों का जाप, अपने आप को साधना शुरू कर देते हैं, केतु आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करता है। केतु को शुभ बनाने वाले कुछ उपाय, जैसे आपका बच्चा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, गुरुवार को 3 जुड़े हुए केले ले लीजिए, 3 केले लेने हैं, बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे किसी भी धर्म स्थान पर 3 गुरुवार लगातार रख कर आइए, इससे केतु शांत होगा। हर बर्थडे पर ऐसे व्यक्तियों के आपको सफेद काला चेक का कंबल, इस बच्चे के सिर से 7 बार, या व्यक्ति है या महिला है, कोई भी है, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप अगर
धर्म स्थान पर रखना शुरू करते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, तब भी बहुत हद तक केतु आपको परेशान नहीं करता है, रोग बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाता है, चोट चपेट से भी आपकी रक्षा करता है। अगर बार बार आपको गाड़ी दुर्घटना हो रही है, कभी बाइक दुर्घटना हो रही है, या चलते चलते गिर गए, कुछ इस तरह की स्थितियां बार बार बन रही हैं, तो इस तरह का एक स्टील का कड़ा, पुरुष है तो सीधे हाथ की कलाई में और महिलाएं तो उल्टे हाथ की यानी लेफ्ट में, और पुरुष है तो राइट में धारण कर लीजिए और हमेशा के लिए धारण करके रखिए, तो आपकी चोट चपेट दुर्घटना से आपकी रक्षा होती रहेगी। स्टील ये राहु है, साथ में लोहा भी है, तो ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी कलाई पर रहकर आपके यहाँ पर ये बार बार रगड़ खाएगा और आपके त्रिदोषों को भी दूर करेगा और आपको जो रोग बीमारियां उनमें से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर ऐसा बार बार आपको फील हो रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, किया कराया किसी ने कुछ कर दिया है, तो ऐसा एक स्टील का चाकू ले लीजिए। इस चाकू को उस व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे तोड़कर आपको पब्लिक डस्टबिन में, जो सड़क पर डस्टबिन लगे रहते हैं, उसमें ले जाकर फेंक दीजिए। आप अपने केतु को शुभ बनाना चाहते हैं तो ऐसी अग्नि चाकू ले लीजिए। इस चाकू को आपको किसी भी धर्म स्थान पर जहां खाना बनता है वहां इसको दान कर दीजिए। इससे जितनी सब्जियां कटती जाएंगी उतना आपका केतु शांत होता जाएगा, उतना आपके शरीर में कट घाव नहीं लगेंगे, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी और आपका मन शांत होकर गुरु की तरफ मुड़ जाएगा। अपने गुरु को प्रबल करेंगे तो भी केतु आपको परेशान नहीं करता है, तो गुरु को प्रबल करने के लिए आपको नियमित केसर का तिलक अपने नाभि, अपने कंठ और अपने मस्तक पर लगाना है, और ये आपको घोलनी है या तो चांदी की कटोरी में या फिर कांच की में, आपको इसको स्टील की कटोरी में नहीं घोलना है। ये केतु आपका जितना शांत होता जाएगा उतने ही जीवन में आपके जो समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, जो बार बार आप बीमार हो रहे हैं या आपको किया कराया लगता है या आपका ध्यान भटकता रहता है, किसी काम पे आपका ध्यान नहीं लगा पाते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, सप्तम आपका खराब है, तो दाम्पत्य जीवन में आपको बार बार अपनी पत्नी पर या पति पर शक हो रहा है, ये भी केतु ही कराता है जब भी ये सप्तम से संबंध बनाता है। राहु के समान ही ये आपको अशुभ फल भी देता है तो शुभ भी देता है। जैसे शुभ क्या देता है, केतु अचानक से आपको बहुत सारा धन दिलाता है, अचानक से गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, जुआ सट्टा लॉटरी से धन, ये भी केतु दिलाता है। राहु भी दिलाता है और केतु भी दिलाता है आपको जुआ सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट से पैसा, जहाँ अचानक मिलने वाली चीज़ें हों वो केतु दिलाता है और बड़ी मात्रा में दिलाता है। राहु आपको छोटी छोटी मात्रा में दिलाता है, लेकिन राहु केतु आपको प्रबल मात्रा में दिलाता है। धन, जुआ सट्टा लॉटरी, ऑनलाइन, ये सब चीज़ें अचानक से आपको इसकी प्राप्ति हो जाती है। अपने केतु को प्रबल करने के लिए आपको, आप चाहते हैं जुआ सट्टा लॉटरी से आपको धन की प्राप्ति हो, देखिए अचानक धन तो हर कोई चाहता है, आपकी पैतृक संपत्ति कहीं फंसी पड़ी है उसमें आपको आपका हिस्सा मिल जाए, या आपको गड़े धन की कहीं से प्राप्ति होने की संभावना है वो आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको गुरुवार को इस तरह से अश्वगंध, एक जड़ आती है मार्केट में मिल जाती है, अश्वगंध की लकड़ी और अश्वगंध का पाउडर दोनों लाने हैं। अश्वगंध की लकड़ी को आपको गंगा जल से साफ करके इसको आपको पीले धागे में बांधना है, और इसको पीला धागा पूरा इसको लपेट कर इसको कवर कर लीजिए और इसको अपनी बाईं भुजा पर यहाँ पर धारण कर लीजिए। आप गले में भी धारण कर सकते हैं इसको, और इसको पहले आपको गणेश जी को अर्पित करना है। गणेश जी को अर्पित करने के बाद ओम गंगापते नमः मंत्र का आप जाप करेंगे, साथ में संध्या के समय आप ओम कैंग केतवे मंत्र का जाप करके इसको गले में धारण कर लेंगे आप। और जो अश्वगंध का पाउडर लाए हैं उसमें से 2 चुटकी अश्वगंध का पाउडर आपको डेली पानी में मिक्स करके आपको पीना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं इस अश्वगंध की 2 चुटकी पाउडर को थोड़े से शहद में घोलकर इसको लिख करके यानी कि चाटना शुरू करिए। इससे आपका केतु प्रबल होगा, धन आगमन के आपके मार्ग खुलेंगे, अचानक धन प्राप्ति होगी आपको, आपको जो पेट से संबंधित रोग हैं उनमें भी आराम मिलेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके हार्ट पर दबाव बन रहा है, कहीं आपको हार्ट की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ये भी आपको केतु कराता है। बार बार आपको ऐसा लगता है गैस एसिडिटी आपके चेस्ट पर चढ़ी जा रही हो, कहीं आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं हो जा रहा, आप डॉक्टरों पर भागते रहते हैं और डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, तब ये अश्वगंध थोड़े से शहद में मिक्स करके इसको आप लिख करके चाटना शुरू करिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। चमत्कारिक उपाय हैं सारे, आपको तुरंत रिलीफ दिलाएंगे। आप अपनी समस्याओं से मैच करके इन उपायों को कर लीजिए और देखिएगा कितना लाभ मिलेगा, और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे कितना लाभ मिला है।
जैसे बात करी थी मैंने अचानक धन की प्राप्ति के लिए, तो इसको आपको धारण करना है, लेकिन साथ में गणेश जी के मंत्र का जो ओम गंगा पते नमा का भी एक माला डेली जाप करना है आपको। आप ओम गंगा पते नमा कर सकते हैं, गंग गंग इस तरह से भी कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमा का भी जाप कर सकते हैं। और रात्रि के समय आपको कुत्ते को, जो रोड साइड कुत्ते घूमते रहते हैं, आपको घर में नहीं पालना है कुत्ता, रोड साइड कुत्ते घूमते रहते हैं, उन्हें आप रोटी या फिर ब्रेड या फिर बिस्किट डाल सकते हैं। दूध तो आपको भूल कर भी नहीं पिलाना है कुत्तों को। आप ये कुछ सरल से उपाय कर लीजिए, जो चाहत है वो सब कुछ आपको केतु दिलाएंगे। जब केतु शुभ होते जाएंगे सब कुछ आपको दिलाना शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अधिकांशतः लोग इसी तरह से भ्रमित होते रहते हैं बीमारियों को लेकर और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलता है, और पैसा जो बर्बाद होता है सो अलग। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर मिलूंगी ऐसे कुछ अद्भुत, कुछ नया उपाय लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।